ये है रांची की रहने वाली साहिदा परवीन। प्रसव के लिए घर वालों ने इन्हें आयुष्मान भारत के तहत कांके जनरल अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर स्वाति श्री ने बताया कि प्री मैच्योर होने के कारण बच्चे का वजन कम और सांस की समस्या थी। फिलहाल दोनों का इलाज आयुष्मान भारत के तहत चल रहा है। अल्ट्रासाउंड के हिसाब से भी और जांच से भी बच्चा छोटा था, 8 महीने के बराबर का था, 7.5 से 8 महीने, और फिर पानी भी बहुत कम था। इसके चलते इसकी इमरजेंसी में ऑपरेशन की गई, वो आयुष्मान के अंतर्गत हुआ है इसका ऑपरेशन। और बच्चा जो निकला वो भी थोड़ा कमजोर, कम वजन का, और सांस लेने में भी उसे तकलीफ थी। फिर इस बच्चे की भी भर्ती की गई है आयुष्मान के तहत और वो नर्सरी में है अभी। नन्हे मेहमान के आने की खुशी घर वालों के चेहरे पर आसानी से देखी जा सकती है। साहिदा परवीन की मां और पति का कहना है कि केंद्र सरकार की मदद से उनके घर में खुशहाली आई है और रिश्तों की एक नई कड़ी बनी है। लड़की का ऑपरेशन हुआ है, नानी बन गए, बहुत खुशी की बात है। आयुष्मान गोवा कार्ड से मतलब हो गया है, क्योंकि अभी खर्चा नहीं हुआ हम लोग को डबल खुशी है। पत्नी है, बड़ा ऑपरेशन से लड़का हुआ है, बहुत ही खुशी की बात। बच्चे देश का भविष्य है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन मासूमों के साथ आयुष्मान भारत निश्चित रूप से एक मजबूत अभिभावक के रूप में खड़ा दिख रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।